नहीं है, मगर मॉकअप ये होता है कि आप जब भी कोई चीज डिजाइन करते हो ना, तो अपने क्लाइंट को आप डायरेक्ट मुंह पर वो डिजाइन नहीं बेचते, आप क्लाइंट को 3D करके बेचते हो ताकि क्लाइंट को समझ आए, क्लाइंट कि ये को बनने के अच्छा बाद लगे, कैसा हाँ, लगेगा। और क्लाइंट को मजा आए देखने में। मॉकअप की वजह से कभी कभी घटिया डिजाइन भी अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं क्लाइंट को, ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, तो मॉकअप क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक ये विजिटिंग कार्ड डिजाइन हुआ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्ट क्लाइंट को यही दिखा दूंगा ना, इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्लाइंट बोलेगा ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। और अगर क्लाइंट को यही चीज हम इस तरीके से करके दिखाएंगे सिंपल तो क्लाइंट को अच्छा समझ आएगा, 3D इसके अंदर पैनल के। तो 3D मॉकअप जो होते हैं ये हमें नॉर्मली इंटरनेट से मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, और इसके ऊपर सिर्फ आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करके अपना डिजाइन एडजस्ट करना होगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार अपना मॉकअप बनाना चाहे तो हम कैसे बना सकते हैं, वो आप लोग समझ लेंगे तो आपको रेडीमेड मॉकअप पे काम करना आसान हो जाएगा। अपना मॉकअप क्यों बनाना आना चाहिए, कितनी मरतबा ऐसा होता है कि हम नॉर्मली पैकेजिंग के अंदर ये होता है कि आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हैं किसी क्लाइंट की और उसकी साइज थोड़ी सी आउट है। अब जब साइज आउट है ना, तो आपको उसके साइज का मॉकअप नहीं मिलेगा। अब आपको अपना मॉकअप बनाना पड़ेगा क्लाइंट को संभालने के लिए, समझाने के लिए। उसको अगर आपको अपना मॉकअप बनाने नहीं आता होगा तो आप फंस जाओगे कि आप सिर्फ मोहताज होगे डाउनलोडेड पे काम करने के। तो अपना मॉकअप भी हमें बनाना आना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक मॉकअप एक बिलबोर्ड है। ठीक है, आप यूं समझने के आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई एक होर्डिंग डिजाइन करनी है, बिलबोर्ड डिजाइन करना है, और वो आपने जो है इस जगह पर लगाना है, वो आपने क्या करना है इस जगह पर लगा के आपको दिखाना है। तो आप मॉकअप कैसे बनाओगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले आप एक सिलेक्शन ले लो। क्या ले लोगे? सिलेक्शन लोगे अंदाजे से कि भाई ये बोर्ड जो है वो तकरीबन इतनी साइज का होगा, अंदाजा ले लिया आपने। न्यू लेयर लेंगे और इसका कोई भी कलर कर दें, ठीक है, कोई भी कलर कर दें। कोई भी कलर करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है और क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आपने कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेट कर लो, जैसे ट्रांसफॉर्म, याद रखिएगा कि पहले आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर लेकर आना है, उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है। ये यहाँ से हो गया, ऊपर का जो पार्ट रह गया है उसके लिए हम जाएंगे एडिट ट्रांसफॉर्म वॉक, और यहाँ से हम उसको ऊपर से भी थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है जी, अब यहाँ डबल क्लिक करूंगा मैं सिंपल सा, ये नया इसमें खुल गया और ये मेरे पास होर्डिंग है। अच्छा, मॉकअप की एक और चीज क्या है कि आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, उसके अंदर रिसोर्सेज को मस्ता नहीं, ठीक है। आपने कंट्रोल एस दबाया, उस पे फाइल को लाने के बाद क्या दबाया, कंट्रोल एस, ये दबाने के बाद आप जैसे ही अपनी फाइल को ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये आपके पास यहाँ लग गया। अब आपको थोड़ा सा इसको और अच्छा करना है, यानी अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, देख रहे हैं ये एक पाइप आ रहा है, क्या हो भाई तार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे टीचर, आपने जो इससे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसके अंदर पोस्टर जो था, पोस्टर ओरिजिनल जो था वो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, आप देखें डिस्टॉर्ट मैंने किया है ना, क्यों मैंने किया है, ताकि वो ऊपर से जो ना ये जो चीज है ना, ये चीज को सेट करने के, नहीं नहीं इसकी बात नहीं कर रही हूं, जो इमेज इसके ऊपर लाके सेट किया। हां मैंने आपको वही तो कहा कि जब मॉकअप के अंदर आप स्ट्रेच कर सकते हो, ओके, क्योंकि मॉकअप जो ना 3D बना हुआ होता है ना, तो जब एक चीज पर्सपेक्टिव में होती है तो वो जो टेढ़ी भी हो जाती है ना, तो मसला नहीं है। अभी इसको अगर मैं यूं करूंगा ना तो ये आएगा नहीं ना, यहाँ इतने पे आएगा नहीं, ये मैंने डिस्टॉर्ट करके जान में उसके किया है, ताकि क्योंकि देखो इसमें इतना महसूस नहीं हो रहा, हाँ यहाँ महसूस हो रहा है, यहाँ खराब कर, हाँ मगर यहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि 3D चीज हो गई ना, वो सही लग रहा है,
अब मैं चाहूँ तो यहाँ मैंने एक मास्क कर दिया और इसकी मैंने थोड़ी सी कैपेसिटी वो करके मैं तो पहले ऐसी रफली सा बना रहा हूँ, तो मैं पेन टूल से बना लेता हूँ एक रफली इसकी जो है ना सिलेक्शन लेकर। दूसरा कार जो है ना मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, ये जब कार इसको ऊपर आते हैं पहले वो कार पीछे से आते अजीब लग रहा था। अब आप जो है ना कोई और भी इमेज लेकर आओ, जैसे कि यहाँ मैं मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ जो है वो तो मैंने ये चीज कर दी फॉर एग्जांपल, तो सेव किया यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट जो चीज आप यहाँ लेकर आओगे वो चीज वहां भी आ जाएगी। सबको समझ में आ गया? यस सर। मॉकअप, अब यही मॉकअप आप इंटरनेट पे चले जाओ, जिस तरह से आपने एक अनस्प्लैश वेबसाइट सुनी होगी, अनस्प्लैश ये पिक्चर्स के लिए काम आती है, ऐसे ही इसकी इसी की कंपनी है अनब्लास्ट, इस पे आप आते हो ना तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉकअप्स मिल जाएंगे स्टैंडर्ड, जो दुनिया में जो जरूरत के मॉकअप्स हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ तकरीबन मिल जाएंगे। यहीं से मैंने एक मॉकअप उठाया ये वाला जो मैं यहाँ मेरे पास है, ठीक है अब ये मौका मेरे पास है। अब मैं यहाँ कार्ड वन पे जाऊंगा और मैं ढूंढ लूंगा कि भाई स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या ढूंढ लूंगा? स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी किसी को नहीं छेड़ना है, सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें ये फाइल यहाँ आ गई। अब मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड भी था अजीब सा, अजीब सही का दोनों अलग अलग थे असल में, सब चीजें आगे आगे पीछे हो जाती है। टीचर बहुत सारे फोल्डर्स हैं और बहुत सारी इमेजेस हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं? मैं सोच रहा हूं मैनेज कैसे करूं। सर आपने दोस्त को कॉल किया जो अलग टैब्स ये दो कार्ड लेकर आया यहाँ थोड़ा उसको सेव कर दिया फोन में उसको सबसे ऊपर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया मैंने, कंट्रोल एस दबाना लाजमी है, देखिए ये यहाँ आते कितना अच्छा लग रहा है कार्ड। ये आगे बताता हूँ, ये साइड्स की लाइन है बताता हूँ, ये जो ये ना साइड्स ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ये असल में कपी है ना, तो जो कार्ड का कलर है ना वो अलग कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कार्ड की कपी दिखा रहा है, यहाँ आ गए और जहाँ आकर मैंने लेके चलेगा थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं कार्ड तो चेक कर लिए। ये देखिए हमारे पास बड़ा अच्छा सा ये आ गया, इसकी देखें साइड जो इसको मैंने ये कलर कर दिया इसके कलर पर। हर मॉकअप पे नहीं होता है, हर मॉकअप पे पर कुछ अलग होता है। हर मॉकअप पे क्या होता है कि कभी कभी मॉकअप खुद ही ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देता है, जिसकी कपी मोटी होती है इसकी कपी पतली है ना, तो इसने ऑप्शन दिया हुआ चस्का दिया हुआ है। अब ये आपका बैकग्राउंड है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और कोई बैकग्राउंड आप चाहें तो वो अलग से बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, मुझे कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप ये क्लाइंट को भेजेंगे ना तो क्लाइंट बोलेगा यार इतना प्यारा डिजाइन है, देखिए दोनों प्रिंट भी तुम ही करा के दो, ऐसा ही चाहिए मैंने बस। तो यूं करके आपने काम करना है, ये मौका आपको आई होप समझ में आ गया। अब मैं कुछ आपके वो देख लेता हूँ, दूसरा जो है ना फिर